आईवीटीवी देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इसे देख रहे हैं आईवीटीवी। राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार चुने जाने के बाद अब मीसा भारती और फयाज अहमद विधानसभा में अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान उनके साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए फयाज अहमद ने बताया कि ये जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है वो काफ़ी गंभीर है और वो कोशिश करेंगे कि इसे अच्छी तरीके से निभाएं। उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। आज नॉमिनेशन के लिए क्या बोलिएगा, आज नॉमिनेशन करेंगे, आज आप कितनी खुशी है आज, क्योंकि काफी सस्पेंस था नामों को लेकर। हम तो सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में लालू जी के शुक्रिया, उन्होंने हमको हम पर उन्होंने और पार्टी ने विश्वास किया, हम एकदम विश्वास उनके विश्वास के मुताबिक। फयाज जी आज नॉमिनेशन करने आप जा रहे हैं जी, कितनी खुशी हो रही है? ये खुशी तो है नहीं, तो कंधे पर एक बड़ा बोझ है। कैसे देखते हैं इस जिम्मेवारी को? ये जिम्मेवारी तो बहुत सख्त जिम्मेवारी है, इसको पूरे तरीके से पार्टी ने भरोसा जताया है, पार्टी ने भरोसा जताया, हम पार्टी का और आदरणीय लालू जी का, तेजस्वी जी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। एहसान फयाज जी, नामों को लेकर काफी सस्पेंस था, कि आप आश्वस्त थे कि आपको राज्यसभा भेजेगा राष्ट्रीय जनता दल? नहीं, हम जब आदेश दिया तब हम समझा कि हमको भेजेगा, जब सस्पेंस था, लोग देख रहे थे कौन अच्छे उम्मीदवार होंगे। हम तो आदरणीय लालू जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तेजस्वी जी का, कि हमको अपने मुताबिक फिट समझे हमको दिए। हम तो आज 15 साल से लगे हमें, 10 साल से पार्टी में, पार्टी का हम कर्मठ। लालू प्रसाद भी आपके साथ जाएंगे नॉमिनेशन में? आज नॉमिनेशन करने जा रहा है इन साल। सर थैंक यू सो मच, फिर तो आ ही रहे हैं, तो फयाज अहमद का कहना है कि ये काफी गंभीर जिम्मेदारी है और इसकी वजह से वो खुश तो हैं, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार भी हैं और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। साथ ही मीसा भारती भी आज विधानसभा में अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंची है। बता दें कि लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर के इस तरीके की अटकलबाजी सामने लगाई जा रही थी कि आखिर किसका नाम राजद की तरफ से आएगा और आखिरकार फयाज अहमद का नाम जो है वो तय किया गया। लालू यादव जैसे ही पटना आए, उन्होंने ऐलान किया कि राजद का जो दूसरा उम्मीदवार है वो फयाज अहमद होंगे और उसके बाद से अब वो अपना नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं और तमाम तैयारियां जो हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के वो भी शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि 10 जून को बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए राजद कोटे से 2 उम्मीदवारों का नाम दिया गया है। एक मीसा भारती हैं जो कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं और दूसरे फयाज अहमद का नाम इस बार दिया गया है और दोनों ने अपना नामांकन भी दर्ज करा लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आईवीटीवी के साथ। धन्यवाद।